जब आपके पास टाइगर का छोटा बच्चा है और टाइगर के लिए आपके पास वो सारे इंतजाम है जो कि एक टाइगर को पालने के लिए जरूर चाहिए होते हैं, तो फिर भी आप इंडिया में टाइगर को क्यों नहीं पाल सकते हैं? और बाकी कुछ देशों में टाइगर को पालना अलाउ क्यों है लेकिन इंडिया में आप केवल एक ही तरीके से टाइगर को पाल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके पास टाइगर का एक बच्चा होना चाहिए और आपके पास टाइगर के लिए सारे इंतजाम होने चाहिए और साथ में पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए। और अगर इससे कोई दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेदार भी केवल आप होंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको इसके लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको ये बताना होगा कि आपको टाइगर पालने की जरूरत क्यों है। अब देखिए, दुनिया के कुछ देशों में टाइगर पालना बड़ा आसान है, जैसे थाईलैंड और पाकिस्तान के अमीर खानदान के लोग टाइगर को बड़ी आसानी से पाल सकते हैं और वहाँ पर वो लोग पालते भी हैं। अब लेकिन इंडिया में केवल 2967 टाइगर्स हैं, इसलिए इंडिया में इसे पालना बहुत मुश्किल है। उल्लू जिसे रात का राजा माना जाता है, जब सारी दुनिया सो जाती है तब ये अपने शिकार पर निकलता है। ये बिना शरीर घुमाए पीछे का सब देख सकता है क्योंकि इसकी गर्दन 360 डिग्री तक घूम सकती है। ये दहशती परिंदा उड़ान भरता है तो इसे देखकर सारे पक्षी खौफ खाते हैं। शिकार को पता ही नहीं चलता कि कब उसका शिकार हो जाता है क्योंकि ये उड़ने के दौरान जरा भी शोर नहीं करता, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के माइक्रोफोन में भी सुनाई नहीं देता। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाओगे कि ये किसी भी वस्तु का 3D इमेज देख सकता है, इसलिए इसकी आंखें उसके दिमाग जितनी बड़ी होती है। इस पक्षी के नाम का उपयोग बेवकूफी के लिए करते हैं लेकिन ये सुपर ट्यून बुद्धिमान होते हैं। दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए क्यूरियोसिटी सर्किट को फॉलो करना न भूलें।